हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 8 हेयर ग्रोथ टिप्स जो कि मैं लास्ट 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और जिसकी हेल्प से ही मैंने अपने हेयर्स को इतना ग्रो किया है। और अगर आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं ले सकते हैं तो आप इन 8 टिप्स को फॉलो करना स्टार्ट कर। बात की जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है और बहुत सीरियस होकर अपने हेयर की केयर की है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो आपको भी पेशेंस रखना है, अपना हेयर रूटीन बनाना है और उसको बिल्कुल सीरियस होकर फॉलो करना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। आपको बस अपने माइंड में रखना है कि आपको अगर अपनी हेयर ग्रो करनी है तो आपको ये जो टिप्स हैं फॉलो करनी ही करनी। कोई भी चीज़ ट्राई करते हैं आपको उसको 15 डेज यूज़ करना होता है एटलीस्ट, या फिर 1 मंथ तक यूज़ करना होता है, उसका रिजल्ट आपको तभी मिलता है। तो आप इन सब टिप्स को एटलीस्ट 1 मंथ तक ज़रूर यूज़ करिए ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आपके हेयर्स 2 दिन में ग्रो हो जाएंगे, 3 दिन में ग्रो हो जाएंगे, नहीं। आपको पेशेंस रखना है और इन सब चीज़ों को फॉलो करना है एटलीस्ट 1 मंथ तक, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके हेयर को एक दिन में लंबा कर देगी। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपके हेयर को एक दिन में लंबा कर देगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी पूजा मेहरा। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जो हमारी हेयर ग्रोथ टिप नंबर 1 है वो ये है कि आपको क्या करना है, इन्वर्जन मेथड मसाज करना है। इन्वर्जन मेथड मसाज इज एक ऐसा बेस्ट हेयर ग्रोथ टिप बोल सकते हैं इसको, कि जिससे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो आप सिर्फ ये चीज़ करके देखिए और रेगुलर करिए। आपको क्या करना है कि अपने हेयर को डाउनवर्ड करके 3 to 4 मिनट्स तक आपको अपने स्कैल्प की मसाज करनी है। अगर आप मसाज भी नहीं करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नॉर्मली अपने हेयर को डाउनवर्ड करना है और 5 मिनट तक ऐसे रहना अपने हेयर को डाउन करके। ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे स्कैल्प को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाना और जो हमारा जो ब्लड का फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ स्टार्ट होती है। हेयर ग्रोथ टिप नंबर 2 बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ में देख भी चुके हैं, वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने हमारे हेयर्स के लिए, क्योंकि अगर आप इंटरनली जो खा रहे हैं वो तो आपके हेयर्स को मिल ही रहे हैं, बट आउटसाइड भी आपको अपने स्कैल्प को क्या है, नरिश रखना है, उसको हाइड्रेटेड। ऑयलिंग वीक में 2 बार ज़रूर करिएगा, मैं भी वीक में 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। हेयर ग्रोथ टिप नंबर 3 बहुत ज़्यादा ईजी भी है और आप ये लोग कर सकते हैं, ये मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आपको मॉर्निंग में जब अपना उठते हैं आप, तो आपको अपने हेयर्स को टैंगल करना है, अच्छे से कॉम्ब करना है और फिर बन बना लेना है। और उसके बाद जब आप नाइट में सोते हैं तो आपको अच्छे से अपने हेयर्स को कॉम करना है और ब्रेड बनाकर सोना है। ब्रेड बनाकर इसलिए सोना है क्योंकि अगर आप अपने हेयर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैंगल्स हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने हेयर्स को ब्रेड बनाकर फिर सोइए, ताकि जब आप मॉर्निंग में अपनी ब्रेड्स को ओपन करें तो उसमें ज़्यादा टैंगल्स भी ना हो और आपको कॉम करने में प्रॉब्लम भी ना हो और आपका हेयर फॉल भी ना हो। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। हेयर ग्रोथ टिप नंबर 4 ये है कि आपको कभी भी शैम्पू जो है वो अपने स्कैल्प में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है। आपको हमेशा शैम्पू में थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है, उसके बाद आप उसको स्कैल्प पे लगाएं और सिर्फ स्कैल्प पे ही यूज़ करें, अपनी जो हेयर लेंथ होती है उसमें मत लगाएं। क्योंकि जब आप अपने हेयर को डाउनवर्ड करके हेयर वॉश करते हैं तो जितना भी आपके स्कैल्प का शैम्पू होता है वो आपकी और जितनी भी हेयर लेंथ होती है उसको अपने आप क्लीन कर देता है। तो हमेशा अपने स्कैल्प पे फोकस करें, क्योंकि जो हमारी स्कैल्प होती है उसमें ही सबसे ज़्यादा जो डर्ट होती है, जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे स्कैल्प में लगे होता है। तो फोकस करके सिर्फ अपने स्कैल्प को क्लीन करें, क्योंकि अगर आप अपने स्कैल्प को क्लीन करते हैं तो उससे ही क्या होता है कि आपके जो पोर्स होते हैं वो ब्रीथ लेते हैं। तो आपको अपने स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट पॉइंट इज़ दैट कि आपको जो हेयर लेंथ है उसमें, अब हमारी हेयर लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो अगर आप इस पर भी शैम्पू यूज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाएंगे, और ड्राई फ्रिजी हो जाएंगे फिर आपको कॉम करने में प्रॉब्लम होगी और फिर आपका हेयर फॉल होगा। तो ट्राई करें कि सिर्फ स्कैल्प पे शैम्पू यूज़ करें।
प्रो टिप नंबर 5 ये है कि आप जब भी अपने स्कैल्प में ऑयलिंग करते हैं तो एटलीस्ट 5-10 मिनट्स मसाज जरूर करें, बिल्कुल लाइट फिंगर से ऐसे ऐसे करके मसाज करें, बिल्कुल मतलब फ्रिक्शन के साथ मत करें, लाइट लाइट करें। इसके बाद आपके ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है, तो ये भी ज़रूर ट्राई करें। 5-10 मिनट्स मसाज जरूर करें अपने स्कैल्प को ऑयलिंग करने के बाद। नंबर 6 है कि आपको अपने हेयर्स को अगर स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट बनाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ वीक में एक बार बनाना हेयर मास्क ज़रूर लगाना है के बाद मेरे जो हेयर्स हैं वो नेचुरली स्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बनाना हेयर मास्क की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाना हेयर मास्क के ऊपर लेकर आऊँगी। टिप नंबर 7 ये है कि आपको जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं तो उसके बाद अपने जो हेयर लेंथ होती है उसमें कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं काफ़ी मैनेजेबल हो जाते हैं जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं। तो आपको स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगाना, सिर्फ अपनी हेयर लेंथ में लगाना है। आपको अपने हेयर्स को क्या करना है कि हेयर वॉश करने के बाद अच्छे से स्क्वीज कर लेना है ताकि उसमें से सारा पानी निकल जाए, और जब सारा एक्सेस वाटर आप अपने हेयर में से रिमूव कर लेते हैं उसके बाद आपको अपनी पूरी हेयर लेंथ में पाम में लेके कंडीशनर को ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आपके हेयर्स अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की होंगे और साथ ही साथ जो आपके हेयर्स हैं वो मैनेजेबल रहेंगे, ड्राई भी नहीं लगेंगे, फ्रिजी भी नहीं लगेंगे। टिप नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी बता दिए और वो क्यों ज़रूरी हैं वो भी बता दिया है। यस, वो हेयर ट्रिमिंग है, क्योंकि हेयर ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अपने हेयर्स को आफ्टर 2-2 मंथ्स के बाद हेयर को ट्रिम करते रहिए, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी स्प्लिट एंड जैसी प्रॉब्लम ख़त्म होती रही और आपके जो हेयर ग्रोथ है वो रुके ना, वो प्रमोट होती रहे। सच में चाहते हैं कि आपको अपने हेयर्स लॉन्ग करने हैं तो इन टिप्स को आज से ही स्टार्ट कर दे फॉलो करना। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि रिसेंटली मेरे चैनल पर अभी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।